प्यार का खूनी अंत, अमेरिका का वो कोल्ड ब्लडेड मर्डर जिसमें बही खून की नदियां। साल 2016 में अमेरिका के ओहियो में रोडेन परिवार के एक दो या तीन नहीं बल्कि आठ लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया, वो भी ऐसी मौत जिसकी कल्पना भर से ही आपकी रूह कांप जाएगी। वक्त था साल 2021 का, यानी इन आठ हत्याओं के ठीक पांच साल बाद जेक वैगनर एक कोर्ट रूम में खड़ा हुआ, जज के सामने चीखने लगा, मैं दोषी हूँ। रोडेंस की हत्या समेत जेक को 23 आरोपों के लिए दोषी ठहराया गया। बता दें कि मरने वालों में जेक के बच्चे की मां हैना रोडेन भी शामिल थी। बेटे बेटी के प्यार से दो परिवारों के बीच शुरू हुआ रिश्ता इस मोड़ तक पहुंच गया कि एक ही परिवार के चार लोगों ने मिलकर दूसरे परिवार के आठ लोगों की दर्दनाक हत्या कर दी। बता दें कि इस मामले में कोर्ट में सुनवाई के दौरान बताया गया है कि ये एक पारिवारिक कलेश की देन थी। जेक वैगनर और हैना रोडेन ने प्यार के बाद शादी कर ली थी। शादी के कुछ सालों बाद दोनों के बच्चे भी हो गए थे, लेकिन इसी बीच इस रिश्ते में खटास आने लगी जिसकी वजह से दोनों ने अपनी राहें जुदा कर ली। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन बच्चे को लेकर दोनों में तनातनी शुरू हो गई। मामला इस कदर बढ़ गया कि हैना का पति जेक गुस्से से आग बबूला हो गया। बच्चे को अपने पास रखने को लेकर दोनों परिवारों में शुरू हुई विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा था। आपको बता दें कि हन्ना जेक और उसके परिवार के चंगुल से तो बच निकली थी, लेकिन उसकी ये खुशी ज्यादा समय तक टिक नहीं सकी। जेक और हन्ना की बेटी सोफिया 3 साल की थी। जेक समेत उसका परिवार चाहता था कि बेटी सोफिया उनके साथ रहे, लेकिन हन्ना ने मना कर दिया। ये प्रेम कहानी जल्द ही डरावनी कहानी में बदल गई। जेक के परिवार के 4 सदस्यों ने मिलकर प्रतिद्वंदी परिवार यानी हन्ना के परिवार के 8 सदस्यों की हत्या कर दी। ये सनसनीखेज वारदात पूरे अमेरिका को मानो हिला के रख दिया था। दरअसल जेक ने हन्ना की 37 साल की मां डाना और 16 साल छोटे भाई क्रिस की भी गोली मारकर हत्या कर दी थी। जेक पर 20 साल की हन्ना और उसकी मंगेतर फ्रांसिन की हत्या का भी आरोप था। बता दें कि जेक को छोड़ने के बाद हन्ना की जिंदगी में किसी तीसरे ने एंट्री मार ली थी। नतीजतन मौत वाले दिन हन्ना और उसकी मंगेतर फ्रांसिन अपने 6 महीने के बेटे रूजर के साथ सो रहे थे, जिसकी वजह से तीनों को गोलियों से भून कर मौके पर ही मौत की नींद सुला दिया गया। जेक वैगनर ने हाल ही में अपने ऊपर लगे आरोपों को स्वीकारा था। जेक जॉर्ज और उनके माता पिता एंजेला और जॉर्ज बिली वैगनर पर गहरी साजिश और 8 लोगों की हत्या का आरोप था। बता दें कि जेक ने 19 साल की हन्ना रोडेन के सिर पर 2 बार गोली मारी थी, तब वो अपने 4 दिन के बच्चे काइली के साथ सो रही थी। मृतकों में हन्ना के पिता क्रिस्टोफर समेत क्रिस्टोफर के भाई केनेथ और चचेरे भाई गैरी भी शामिल थे। जेक को हाल ही में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। इसके बाद जेक की मां ने अपना गुनाह कबूल कर लिया और बताया कि उसने सिर्फ प्लानिंग में मदद की थी। वहीं जेक की मां ने 30 साल की सजा के बदले अपने पति और बेटे जॉर्ज के खिलाफ गवाही देने का फैसला किया है, जिससे वो खुद बच सके। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।